हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो, जो है गाजर का हलवा। तो आप सभी जानते हैं कि विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है और इस टाइम बहुत अच्छी अच्छी गाजर आती है मार्केट में, तो इस टाइम आपको ये हलवा ज़रूर बनाना चाहिए। और मैंने हलवाई जैसे गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर की हुई है अपने चैनल पर, जो आप सभी को बहुत पसंद आई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें मैंने जो ट्रेडिशनल तरीका होता है गाजर के हलवे को बनाने का, वो शेयर किया है, जैसे हलवाई बनाते हैं। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि कैसे आप गाजर का हलवा बना सकते हैं घर पर एकदम हलवाई जैसा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप गाजर को बिना कद्दूकस किए और बिना मावा के गाजर का बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही डिलीशियस हलवा बना सकते हैं, वो भी प्रेशर कुकर में, जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सोशल मीडिया पे इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर ली है। गाजर को मैंने छील कर धो लिया था और इस तरीके से काट लिया है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अब मैं इन गाजर के टुकड़ों को ब्लेंडर जार में डालूंगी और थोड़ी थोड़ी गाजर करके हम इसे पीस लेंगे एकदम बारीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने गाजर को अच्छे से पीस लिया है। इसी तरीके से मैं बाकी गाजरों को भी अच्छे से पीस लूँगी। इस तरीके से अगर आप हलवा बनाएंगे तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो वैसा ही हलवा बनता है जैसे आप नॉर्मल बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक बाउल में पूरी गाजर को अच्छे से पीस लिया है, जितनी गाजर मैंने ली थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक कुकर ले लिया है, गैस मैंने ऑन कर दी है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब घी और अब मैं इसमें डालूंगी वो गाजर जो हमने पीस कर रखी थी। तो सारी गाजर मैं इसमें डाल दूंगी और इसे हम 2 मिनट के लिए इस तरीके से चलाएंगे, जिससे गाजर थोड़ी सी फ्राई हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये करीब 1.5 गिलास दूध है और ये एकदम मलाई वाला दूध है, बहुत ही इसमें मोटी मलाई है दूध के साथ, तो वो मैंने एज इट इज़ इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अब इसका ढक्कन लगाकर इसको हम मीडियम गैस पर 2 सीटी आने तक पका लेंगे और फिर इसका प्रेशर निकलने के बाद इसे खोलकर देखेंगे। तो यहाँ पर 2 सीटी आ चुकी हैं कुकर में और इसका प्रेशर रिलीज़ हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी भी इसमें काफ़ी दूध है, तो अभी हमें इसे खोलकर ही पकाना है। गैस को मैंने मीडियम से हाई किया हुआ है, जिससे कि दूध हमारा अच्छे से जल्दी जल्दी सूख जाए। अगर आपको लगे कि आपको छींटे आ रही हैं इसके अंदर से, तो आप ऊपर से कवर भी कर सकते हैं ढक्कन से। तो अभी हमें इस दूध को अच्छे से सुखाना है और गाजर को और पकाना है। ये वाला हलवा मैक्सिमम 20 मिनट से 25 मिनट में तैयार हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं दूध काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, अभी इसमें थोड़ा दूध फिर भी बचा हुआ है, तो अभी इसे हमें और पकाना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप चीनी या टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी और रिलीज़ होता है, तो उसे भी हमें अच्छे से पका लेना है। तो आप अभी देख सकते हैं इसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी आपको दिख रहा होगा, इसे हमें थोड़ा सा और पकाना है। कितना अच्छा कलर आ गया है इस हलवे में। अभी मैं इसमें थोड़ी सी जगह बना रही हूँ, जिससे कि मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूँ। तो अभी मैंने साइड में जगह बनाकर यहाँ पर बचा हुआ घी भी डाल दिया है, जो कि 2 टेबल स्पून घी है। आप और ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको गाजर के हलवे में ज़्यादा घी पसंद है तो। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटे हुए बादाम और बारीक कटे हुए काजू डाल दिए हैं, साथ में बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल दिया है, जो कि गाजर के हलवे में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा सा इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ऐसे ही, और फिर हम पूरे हलवे के साथ इसे मिक्स कर देंगे। इसे हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे मीडियम गैस पर। आप चाहें तो एक अलग पैन में घी डालकर उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके फिर ऊपर से भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको उस वाली वीडियो में बताया था जिसमें मैंने आपको ट्रेडिशनल तरीके से हलवा बनाना बताया है। तो यहाँ पर आपकी मेहनत को कम करने के लिए मैंने ये वाला स्टेप किया है। अगर आप अलग से ऐसे भून कर डालेंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये गाजर का हलवा एकदम रेडी है बनकर। आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, मैंने मलाई और दूध में ही इसे बनाया है। बाकी इसमें जो भी टेस्ट आएगा वो घी का आएगा, तो दूध में हमने इसे अच्छे से पकाया है इसलिए इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और मलाई भी कम से कम मैंने इसमें 1 कप मलाई का यूज़ किया है, जो कि कन्वर्ट होकर एकदम खोए जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाती है, तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। साथ में आपको इसमें मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी अच्छा हलवा बनकर तैयार होता है। तो आइए इस हलवे को सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक सर्विंग बाउल लिया है, इसमें मैं अपने हलवे को निकाल लेती हूँ और हम इसे गार्निश करेंगे
ऊपर से कटे हुए बादाम से, कटे हुए काजू से और कटे हुए पिस्ता से। पिस्ता इसके ऊपर गार्निश करने से एक इसमें अलग कंट्रास्ट आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो अगर आप भी किसी को सर्व कर रहे हैं तो ऊपर से पिस्ता की कतरन ज़रूर डाल कर दीजिए। तो लग रहा है ना, बहुत ही डिलीशियस। आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा, लेकिन इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि आप कम मेहनत में और बहुत ही जल्दी कैसे आसानी से गाजर का हलवा बना सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया पर इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज की रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।